धार जिले के पीथमपुर थाना सेक्टर में मुखबिर की सूचना पर नगर अधीक्षक हरीश मोटवानी के निर्देशन में थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह चढ़ार ने एक टीम गठित कर अवैध शराब की 65 पेटियां बोलेरो सहित जब्त की है। देर रात करीब 1:30 पर मुखबिर की सूचना पर पीथमपुर सेक्टर नंबर 1 थाना अंतर्गत डाक बंगला तिराहा महू नीमच रोड पर एक सिल्वर बोलेरो वाहन जिसमें 35 देसी लाल मशाल और 20 पेटी मदिरा इस तरह कुल 65 पेटी अवैध शराब जब्त की है, जिसकी कुल कीमत 5,50,000 बताई जा रही है। उक्त मामले में आरोपी पवन पिता रामेश्वर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दूसरा आरोपी गणपत पिता बजरंग, जिसका नाम गुंडा लिस्ट में भी शामिल है, जो फरार हो गया है। इस कार्यवाही में नगर अधीक्षक हरीश मोटवानी के निर्देशन में थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह चढ़ार द्वारा टीम गठित कर उसके ASI BK मिश्रा, आरक्षक सूरज, आरक्षक गोविंद, आरक्षक अमित पाठक की भूमिका मुख्य रही। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। सर, ये कुछ अवैध शराब का मामला सामने आया, पकड़ने का सर क्या है? सर ये 14 तारीख की घटना है। रात को 1:30 लगभग जो है पुलिस को सूचना मिली थी कि कोई अवैध शराब निकल रही है, तो पुलिस टीम ने डाक बंगले के पास जाके घेराबंदी की और 65 पेटी शराब लगभग 2.5 लाख रुपये अवैध रूप से जब्त की एक बोलेरो गाड़ी में, और आरोपी को गिरफ्तार करके अभी उसका पुलिस रिमांड लिया है। सर, अभी इसमें कितने आरोपी का नाम सामने आया? अभी एक आरोपी का पता चला है कि गणपत जो है फरार हो गया, पुलिस को देख के अंधेरे का फायदा उठा के रात के 1:30 की घटना है, और गणपत है और अन्य लोगों के लिए पूछताछ की जा रही है कि इसका सोर्स क्या है और कहाँ ले जा रहा था, इसके लिए आरोपी का पुलिस रिमांड लिया गया। सर, संदिग्ध व्यक्ति का किसी गुंडा लिस्ट में भी नाम सामने आया, ऐसा कुछ बात सामने? हाँ, संदिग्ध नहीं है, गणपत है, ये यहाँ पे रिकॉर्डेड है और इसका आपराधिक रिकॉर्ड है यहाँ पे पुलिस थाने पर। सर, आपका नाम बता दीजिए। मैं TI चंद्रभान सिंह चढ़ार, थाना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।